अल्फा बचे हैं और मेजर अल्फा इज द मेन असॉल्टर एंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असॉल्टर्स इन द गेम रिसेंटली। एंड यहाँ पे एनटीटी गेमिंग अपने बाकी दोनों बंदों को रिवाइव कर चुके हैं। इनसेन के केओ और ओमेगा दोनों जन सर्वाइव कर रहे हैं। ओमेगा थोड़े एज ऑफ द जोन में, पर उनके राइट में मुझे, लेफ्ट में मुझे एसजी की स्क्वाड दिख रही है, शेडो और मेजर अल्फा। तो हो सकता है ओमेगा स्पॉट होए, स्पॉट होते हुए बंदा नॉक एंड फिनिश हो जाएगा। पर यहाँ पे वी आर डाउन टू लास्ट फाइव टीम्स, 13 पीपल अलाइव। एंड यहाँ पे जेड के स्टूडियो ने मेगा के वैक्सी को नॉक किया, सांगवान ने वहाँ पे इनसेन ओमेगा को। एंड यहाँ पे स्ट्राइडर का बहुत ही प्यारा स्प्रे एनटीटी ब्रॉलर्स के एक बंदे का किल स्टील करने के लिए, ब्रॉलर्स विद 10 किल्स एंड दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब। यहाँ पे मेगा के अभी डीपी से काफी एमो वेस्ट किया उन्होंने, यू नो नॉक बंदे को फिनिश करने में। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मूव एंड शूट एट द सेम टाइम, बट हां अच्छे प्लेयर्स बिल्कुल बुलेट वेस्ट नहीं करते, काफी अच्छा करते। टॉप 4 पे मेगा स्टार्स आ चुके हैं यहां पे 17 पोजीशन पे। तो वो थिंकिंग यार, जो टीम हम सोच रहे थे वो टीम बॉटम 10 में निपट चुकी है। आपकी 8bit है, सोल है, ऑरेंज रॉक है, आरआईपी ऑफिशियल एंटिटी, ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा अपसेट है। एंड यस, जो हमें देखना था, ब्रॉलर्स 3 प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ेंगे और वहीं पर 2 प्लेयर्स के साथ बढ़ेंगी टीम सिनर्जी, ऑस्टिन एंड मेजर अल्फा। ऑस्टिन वो प्लेयर है जो ईएसएल मिलान नहीं जा पाए, काफी अनफॉर्चुनेट था, बट यस ही इज प्रूविंग कि हाँ उनकी जरूरत कितनी है टीम को। जैसी वो टीम में आए पहले मैच के अंदर ही टॉप 2 पोजीशन तो उन्होंने सिक्योर कर लिया, बट यहाँ पे नॉकआउट होने की शुरुआत हो सकती है, फाइटिंग दोनों तरफ से हो रही है, उनको यहाँ पे बस घास दिख रहे हैं। मेजर अल्फा नॉकआउट हो चुके, बचे अकेले ऑस्टिन। इट्स अ 3v1 सिचुएशन, व्हाट यू थिंक? मेरे हिसाब से बेट प्ले होने वाला है यहाँ पर, उनको पता है ऑस्टिन कहाँ पर है। और यस, ऑस्टिन स्पॉट हो चुका है। इसी के साथ छोटे से रूम में नरूटो है, नरूटो ने यहाँ पे नॉकडाउन लिया सांगवान को। अब पीछे से कवर फायर आया, अच्छा था, नरूटो को नॉकडाउन करा। बट अब यहाँ पे बात आती है कि पीछे से एनटीटी का स्क्वाड भी आ चुका है, दे विल बी थर्ड पार्टी देम। टेम्पेस्ट अभी भी जिंदा है, ईटीजी ब्रॉलर का सांगवान, उसको इजीली रन मिल चुका है यहाँ पे। बट द थिंग टू नोट डाउन इज यहाँ पे थर्ड पार्टी, ऊपर से गॉड लाइक भी आ चुके हैं उन्हीं कंपाउंड में। एनटीटी नियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर देयर स्क्वाड ओवर देयर, ही इज इन द टॉप 10 फॉर हिज टीम। बट यहाँ पे 8bit का स्क्वाड अभी भी बाहर हिल बैटल कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू ओवर देयर। चारों बंदे जिंदा है, क्या यहाँ पे ईटीजी ब्रॉलर एक और चिकन निकालेगी, क्या यहाँ पे गॉड लाइक निकालेगी, क्या आरआईपी नरूटो को रेव मिलके आरआईपी यहाँ से निकाल पाएगी। आरआईपी आई थिंक दे हैव बीन एलिमिनेटेड ऑफ व्हाट। दो प्लेयर अभी भी जिंदा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे गॉड लाइक दक्ष वहाँ पे स्पॉटेड है, थ्रोएबल्स की कोशिश। यहाँ पे सोल मॉडल हैज बीन नॉक्ड आउट बाय जेड गॉड का स्प्रे, यहाँ पे क्रॉटन ओपी ने नॉकडाउन फिनिश करा सोल मॉडल को। अब देखते हैं कैसे फाइट रहने वाली है, सर्वाइवल स्टेटस आपके राइट हैंड साइड में चल रहा है। अब सांगवान आराम से येलो कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं, इनका आइकॉनिक नॉक एंड फिनिश हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे वाइपर बाहर बैठ के हील बैटल कर रहे हैं, 5 फोर स्टेट्स है वाइपर के पास, कितनी पोजीशन वो अपनी टीम को ऊपर लेके जा पाएगा। एलिमेंट्रिक्स हैज बीन एलिमिनेटेड, 8bit ईटीजी ब्रॉलर को दिक्कत दे सकता है थर्ड पार्टी करके, हमें स्मोक बॉल्स फिनिश हो चुके। बट यहाँ पे गॉडिल सामने थी सांगवान के, देखते हैं। एंड यहाँ पे सामने से नॉक डाउन, ओ ही ऑल्सो गॉट नॉक डाउन, भाई ये एंटो नॉक होना चाहिए, बट यहाँ पे सांगवान नॉक डाउन हो चुका। एनटीटी नियो सामने स्पॉटेड था एंड नोआ ने उसको करा फिनिश, तो एनटीटी और गेमिंग भी यहाँ पे पूरी फिनिश हो चुकी है 11 पॉइंट्स के साथ। अब देखते हैं यहाँ पे आरआईपी ऑफिशियल, ट्रस्टेड प्रोसेस, ईटीजी ब्रॉलर्स एंड गॉड लाइक, यही टीमें बची हुई है। बट यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे गॉडलेस का स्क्वाड, अब देखते हैं नोआ क्या कर सकते हैं वहां पे। ब्रॉलर डार्क ने निकाला यहाँ पे वाला फाइनल किल, गॉड लाइक हुई एलिमिनेट, बाहर से टेम्पेस्ट को भी नॉकडाउन करा। क्या गेम चल रहा है भाई यहाँ पे, तीनों प्लेयर यहाँ पे जिंदा है ईटीजी ब्रॉलर के, क्या ये सेकंड विन निकाल पाएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं नरूटो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर देयर स्क्वाड, एंड सामने एक ट्रस्टेड प्रोसेस के दो प्लेयर यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, ये एक इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। ओ नरूटो ने नॉकडाउन करा, वो वहां पे आराम से बैठा हुआ था सांगवान, हील कर रहा था, बट वो बंदे ने आगे सीधा उसके हेड पे स्प्रे डाला। अब देखने वाली बात है, 2v3 सिचुएशन है, 9 किल्स यहाँ पे ईटीजी ब्रॉलर्स के पास है, ट्रस्ट डी के पास 5 किल्स, और अभी पोजीशनिंग का एडवांटेज भी पूरा का पूरा ईटीजी ब्रॉलर्स के पास है, क्योंकि वो कवर एक आपको मिल जाता है, और जहां पे ट्रस्ट डी प्रोसेस इनको बाहर पे एक दीवार के पीछे बस थोड़ा सा कवर प्रोवाइड होगा, बाकी सागर को आप देखें ओपन में खड़े हैं, वो बस एक पेड़ है उनके पास। ईटीजी ब्रॉलर्स ने अगर अग्रेस किया, हम पहले भी देख चुके कि इनका अग्रेशन किस लेवल का जाता है, और आखिरी कुछ चंद सेकंड इस गेम के 0 डिग्री के पास अभी भी काफी किल्स है। 7 सेकंड बाद यहाँ पे डेथ सर्कल स्टार्ट होने वाला है, एंड यहाँ पे एक कोई प्लेयर मेरी ख्याल से नोआ या तो कोई और यहाँ पे हिल बैटल करेगा फॉर श्योर, बट यहाँ पे सैक्स लियो आपको दिख रहा है ओपन में, एंड श्रेगर मेरी ख्याल से उनके लिए हिल बैटल करने वाले। डार्क यहाँ पे सामने आए, सैक्स लियो को रन ओवर करा, आखिरी बंदा बचा है बट वो हिल बैटल कर रहा है, गुड थिंग टू नोट डाउन। सांगवान ने सामने स्पॉट करा एंड दे हैव गॉट देयर सेकंड।
ट्रोलर्स के ऊपर, लेकिन वो भी पता है कि ज्यादा टाइम से एक स्प्रे करोगे कवर स्प्रे में आप नॉकआउट हो सकते हो। एंड यस, मुझे ऐसा क्यों लगने वाला है कि यहाँ पे फिनेटिक टीपीपी करने वाली है थर्ड पार्टी, वो सब लड़ेंगे आपस में और जीत जाएगी यहाँ पे फिनेटिक, क्योंकि ब्रॉलर्स एंड एंटिटी के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्बैट चल रहा है। पर मैं बैक टू बैक यहाँ पे नॉकआउट हो जा रहे हैं, आइकॉनिक यहाँ पे काफी कम एचपी में, नोवा नॉकआउट हो चुके, डार्क और सांगवान पे काफी प्रेशर होने वाला है। मीनवाइल द रियल जो डील है वो होने वाली है यहाँ पर फिनेटिक की तरफ से, बिकॉज फिनेटिक पीछे से खाएगी एक एक करके। यहाँ पे देखिए सांगवान कितना ओपन है, रिच का हल्का सा सपोर्ट है, अगर ओवेस एक अच्छा एंगल बनाएंगे मीन, मुझे लगता है कि शायद से एक किल निकाल पाए और टीम को यहाँ डिसेबल कर दे। बिकॉज अगर इफ यू नोटिस यहाँ पर अमन खो चुके हैं, जोनाथन खो चुके हैं, घातक नियो वर्सेस फोर ब्रॉलर्स एंड थ्री फनाटिक प्लेयर्स। एंड यस, ये यहाँ पे सैंड सिचुएशन में आ चुके हैं बिल्कुल। ब्रॉल के आइकॉनिक ने यहाँ पे घातक को नॉकआउट कर दिया, अकेला बचा है तो इट्स नियो। क्या ये पुराना डीओ अपनी टीम का लेगेसी आगे बढ़ा पाएंगे? नियो के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल पोजीशन है, 1v3 सिचुएशन राइट नाउ, और उसके पीछे भी स्क्वाड है, डार्क को वहां पीछे फिनेटिक के स्क्वाड ने पुश किया, डार्क ने बहुत ही प्यारा नॉक एंड वेस का कवर फायर में ट्रेड नॉक होते हुए यहां पर सनवन उधर बचे हैं, उधर एनटीटी का पूरा स्क्वाड इलिमिनेट हो चुका है। ब्रॉलर्स अगर देखोगे तो 11 किल्स निकाल चुका है, फिनेटिक के पास आ चुका है 5 किल, 3v3 फाइट राइट नाउ, सामने फिनेटिक का एक बंदा नॉक था, स्काउट उसको पूरा क्लियर कर दिया गया है, नोवा यहां पर हेलमेट नहीं है, वेस का अगर हालत देखो क्रैड भाई एकदम कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं दे आर गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री, बिकॉज दो चिकन डिनर हमने देखा बैक टू बैक स्प्रिंग में भी निकाला था किसी ने, अगर ब्रॉलर्स यहां पर चिकन डिनर निकालती है देन हैट्स ऑफ, बो डाउन जो भी है भाई। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि लास्ट दो मैचेस में चिकन डिनर का टाइम 3v2 सिचुएशन था, इसमें भी 3v2 सिचुएशन है, संगवन का जो फ्लैंक है बहुत ही प्यारा है, संगवन ने जो यहाँ पर क्राउच किया ना उसके कारण वो बंदा बच गया, नहीं तो यहाँ पर नॉकआउट हो सकता था। ओवेस यहाँ पे डैमेज दिया, वो नेट से डैमेज खाया ओवेस, क्राउच अगर नहीं करता तो बंदा वहां पर नॉकआउट हो सकता था, अगर वो नॉक होता तो ईटीसी ब्रॉलर संगवन को बचा नहीं सकते थे, 2v2 हो सकता था। फिनेटिक के लिए सबसे खराब सिचुएशन है कि उन लोगों के पास सिर्फ एक ही कार का कवर, तो ये चिकन लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर नोवा फुल स्प्रे करते हुए, लेकिन नोवा के लिए एक डिसएडवांटेज ये है कि एक गोली अगर उसके सिर पर लग जाए तो वहां पर वो नॉकआउट हो जाएगा। बट दे आर प्लेइंग सो स्मार्ट, बिकॉज़ दे आर प्लेइंग सो स्प्लिट, वो अलग अलग होकर खेल रहे हैं। बट मीनवाइल आइकॉनिक यहाँ पे गाड़ी लेकर आए, कोशिश करेंगे, बट मुझे देखना है कि नॉकआउट यहाँ पे कौन होगा। यहाँ पर ओवेस नॉकआउट हो चुके, अकेले बचे हैं पारी, तो तीन पेरे प्ले पे हंट करने चाहते हैं, उन्हें पता है दिस इज अ मोमेंट, दे कैन अचीव इट, क्या ये ट्रिपल डिनर निकाल पाएंगे? और इसी के साथ ब्रॉलर्स मेकिंग द हिस्ट्री, प्रिलिम्स में बैक टू बैक तीन चिकन डिनर, एंड दे हैव डिफीटेड द माइटीएस्ट, दे हैव डिफीटेड द फिनेटिक्स, और इतना इंटेंस गेम, एंड सी दैट कंपोजर, सी दैट एक्सट्रीम गेम लेवल, सांगवान, आइकॉनिक, नोवा, गूज़बम्प्स आ गए मेरे में, ओह व्हाट अ गेम, ये मेरे ख्याल से जो